आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर और मुझे हर रोज मोस्टली एक नया कंटेंट शूट करना होता है। बट ऑन द अदर साइड मैं दो बच्चों की माँ भी हूँ और पूरा घर अकेले ही मुझे मैनेज करना होता है। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि मैं अपने फिजी हेयर को एकदम सिल्की स्मूथ लुक दे सकूँ। हर रोज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं बताऊंगी ना, अरे आपका बर्थडे गिफ्ट, बाप रे इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। इतना बड़ा नहीं, तो आपका और खुशी का बर्थडे गिफ्ट है वो 2024 का। अब इसके पहले आप सोचो कि मैं कौन से बर्थडे गिफ्ट की बात कर रही हूँ, ये आपको आने वाले ब्लॉग्स में भाई पता चल जाएगा। फिलहाल ये जो ब्रश है ना, ये बहुत अमेजिंग है। ऐसे बात करते करते ना आपका काम हो जाता है, अलग से आपको कॉम भी करनी नहीं पड़ती है। एंड या आप इसे वेट हेयर में भी एंड ड्राई हेयर में भी दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, बहुत स्मूथ है यार। और ये अमेजिंग सा गैजेट है फिलिप्स स्ट्रेटनिंग हेयर ब्रश, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फिजी हेयर के लिए। करंट वेट क्या है आज? 59 kg पर। तो आपकी प्यारी चीकू यानी कि हमारी अनविकाब हो गई है 22 मंथ्स की पूरी। और देखो 22 महीने का जो बच्चा हो जाता है ना, तब तक बच्चे के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस है ना आपको देखने को मिल चुके होते हैं, बहुत सारे तरीके के इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ में चेंजेस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपने ऑलरेडी अब तक देख ली होंगी। बच्चे ने टूटा फूटा बोलना भी शुरू कर दिया होगा, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके भी बोलना उसने स्टार्ट कर दिया होगा। और अपनी एक अलग ही लैंग्वेज में, एक अलग ही रिदम में, एक अलग ही मैं बोलूँगी स्वर के साथ वो कुछ ना कुछ अब बोलने लग गया होगा, जो कि आप क्लियरली सुन पा रहे होंगे। और मम्मियाँ तो यार रिलेट भी कर लेती हैं कि मेरे बच्चे ने ये बोला, हाँ वो बोला, क्योंकि हम पूरा दिन बच्चे के साथ में रहते हैं, या फिर जो भी बच्चे के साथ पूरा दिन साथ में रहता है वो उसे समझ पाता है क्लियरली कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। अब बच्चा आपके सारे इमोशंस को समझ सकता है, आप डांटोगे, उसे चिल्लाओगे, उसे प्यार करोगे, कडल करोगे, खुश रहोगे, आप उसे घूमने के लेकर के बाहर जाओगे या फिर कहीं भी आप उसे साथ खेलोगे, अब वो सब समझ पा रहा होगा। सबसे बड़ा माइलस्टोन कि बच्चे ने 2 वर्ड बोलना शुरू कर दिया और अब वो तेज़ी से चलने के साथ दौड़ना भी शुरू कर चुका होगा। आज था एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शूट, तो दिन भर उसी में गए और अभी शाम को देखो मैं क्या लेकर के बैठी हूँ। निका का नया क्लास स्टार्ट हो गया, वो सेकंड में चली गई है और रिजल्ट हम लेकर के आए थे, आई गेस मैंने बताया नहीं, मेंशन करना मैं भूल गई शायद। सो निका ने काफ़ी अच्छा स्कोर अचीव किया और साइबर ओलंपियाड में भी उसको गोल्ड मेडल मिला। वैसे तो हमने ज़्यादा किसी में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, एंट्री ही नहीं दी थी, लेकिन जिसमें भी उसने किया बिना मेरी हेल्प के उसने सारी चीज़ें करी और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब हम बच्चे को मेहनत करवाते हैं, लर्न करवाते हैं, तब जाके बच्चा कुछ अचीव करता है, समझ में आता उसने अचीव किया। लेकिन उस वक्त जब बच्चे के पास कोई नहीं है और उसने खुद से सोर्सिंग करके जितना उससे हो सका उसने किया एंड देन उसने एक अच्छा स्कोर किया है, तो मैंने ये अपडेट इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, तो उसके बाद यार वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखी, लोग अपने बच्चों का शेयर कर रहे थे, समहाउ आई वाज फीलिंग लाइक यार मैंने तो बच्चे को मेहनत ही नहीं कराई, प्रिपरेशन ही नहीं कराई, शायद नहीं मिलेगा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन अनिका वाज कॉन्फिडेंट, वो एक मोमेंट में थोड़ा सा उसे लो फील हुआ जब अदर बच्चों को मेडल मिल रहे थे उसके क्लास में, जिनका जो रिजल्ट था पहले आ चुका था, तो उसने मुझे बोला मामा मुझे तो नहीं मिला, तो मैंने कहा इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा। तो साइबर ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था वो सबसे लास्ट हुआ था, उसका रिजल्ट भी सबसे लास्ट आया, और जब उसका रिजल्ट आया तो शी वॉज रियली रियली सो हैप्पी और वो बहुत खुश थी। वो घर पर आया और चिल्ला करके बोला मामा ये देखो, और वो जो उसकी हंसी थी ना, वो जो उसकी खुशी थी यार, उस
उतना अच्छा मेडल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब उसने वो चीज़ अचीव करी, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और समर मुझे ऐसा लग रहा था, अगेन वही मॉम गिल्ट आ गया कि मैंने मेरे बच्चे को मेहनत नहीं करवाई। मुझे लगा कि चलो अभी फर्स्ट है, नहीं हो पा रहा है हमसे, नेक्स्ट ईयर हम जान लगा देंगे और उसको हर तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे। सो फिलहाल मैंने उसकी नोटबुक सारी रेडी कर दी है और अभी मैं नेमिंग कर रही हूँ, मतलब लेबल पे नेमिंग कर रही हूँ। और ये सारा काम मैं ही करती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने किया था तो अभी भी मैं ही कर रही हूँ। और अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ देखना एक तरफ से बहुत अच्छा भी फील कराता है और एक साइड से यार इतना इमोशनल फील होता है ना, कांट टेल यू। तो पूजा की थाली रेडी है और मैंने आज भगवान जी को बहुत ही अच्छे से नहला भी दिया है, मतलब अच्छे से चमकाते हैं ना पीतांबरी से, तो ये भी मैंने कर दिया है। बस अब पूजा करेंगे हम लोग यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं कर रही हूँ, छोटा सा मंदिर है मेरा यहाँ पर और जो पहले मंदिर था वो मैंने घर भेज दिया है क्योंकि यहाँ तो रखने की जगह नहीं थी। और ये मैं नया लेकर के आई थी तो मैंने माता रानी के पास रख दिया है। दो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स एंड दैट्स इट। और ये जो फ्लावर्स हैं ये घर में ही लगाए हुए थे तो उसमें ही आए हुए थे तो बाहर से कुछ ला नहीं पाए। प्रसाद लेकर के आए थे हम। चलो चढ़ा जल्दी चढ़ा। महिषासुर दाती मैया महिषासुर दाती उम्र विलोचन नैना उम्र विलोचन नैना निषद मदवाती। अभी मैं आ गई हूँ घर वापस। एक बर्थडे पार्टी थी वो अटेंड करने के लिए गई थी बस निका के साथ में। नाउ बैक टू होम। ज़्यादा देर मैं रुकी नहीं, उसको ड्रॉप करके बस आ गई थी खुशी को वापस लेके। सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू बट लेट्स गेट फिंगर क्रॉस। आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा रहे। तो क्या है ये गुड न्यूज़? ये मैं कुछ दिनों के बाद कुछ वीक्स के बाद रिवील करूँगी। फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ अनिका के बर्थडे का कि वो हो जाए और मैं उसे ये गुड न्यूज़ दूँ। कहते हैं ना कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता। देखो आप प्लान कुछ और करते हो बट होता कुछ और है एंड होता वही है जो डेस्टिनी में लिखा है। जिस तरीके से होना जब होना है वो होके ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना। सो
हमारे साथ भी वही हुआ, और यार अभी भी बिलीव नहीं हो रहा मैं क्या करूं। अभी अभी जस्ट चीज़ें सॉर्ट हुई हैं, तो आगे का देखते हैं क्या होता है, सब बस ठीक रहे। मेरी लाइफ में यार तीन चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली मेरी फर्स्ट डॉटर अनिका, सेकंड आपको पता ही है खुशी, कितनी मुश्किलों से वो हमारे पास आई डिलीवरी के वक्त, पूरी प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ें हुई, इट वॉज नॉट ईजी, नॉट एट ऑल। और तीसरी, ओ गॉड, सो 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 हैप्पी कि बस एक तरह से बोलो ना कि बहुत ज़्यादा भी मैं बस ये अपडेट रिकॉर्ड करना चाहती थी, और ये कि हाँ मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में ये न्यूज़ शेयर करी, और आज के दिन पे ये चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी, इट्स गोना बी अ कंप्लीट सीरीज, और जस्ट मैं शूट कर पाऊँ एक 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 एक, एक मोमेंट को मैं शूट कर पाऊँ, बस इस बार हिम्मत दे भगवान, क्योंकि दो बच्चों के साथ में इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। बस आज का ये अपडेट आज की डेट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, बस बस। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हो, क्या आप यार देखो ना इन्हीं सब चीज़ों में ना यार इतना मैं उलझ गई थी ना, मैं क्या करूँ, इतना कन्फ्यूजन भी हो रहा था क्या सही है क्या नहीं है, करूँ नहीं करूँ क्या करके, मैं बहुत ज़्यादा इस समय ऑक्यूपाइड थी लास्ट एक महीने से। तो चलो अब मैं जा रही हूँ मेरा मेकअप रिमूव करूँगी। आज मैंने फर्स्ट क्राई वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया फाइनली। इतने दिन से चीज़ें आई हुई होती हैं, मतलब ऑर्डर करो आ भी जाती है, सब कुछ हो जाता है यार, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, अब तो व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ कैसे प्लान करूँ। चलो फिर मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, बताती रहूँगी, मेरे बच्चे लग रहा बाहर चिल्ला रहे हैं, आई विल बी बैक। और देखो अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, सफल गए ऑफिस, अनिका गए स्कूल, तो अब मैं ये वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, भिंडी बनाने का मूड है। आज सुबह से इतने काम हो गए, और कुछ 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 मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड बहुत सारा काम हो गया, और इतना लेट हो गया, देन मैंने कहा जाने दो, आराम से बनाते हैं लंच, बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं बनाएंगे। कल क्या हुआ, मतलब मैं सांभर बना रही थी, और ऐसे कभी होता नहीं, मतलब वो कुकर में बिल्कुल न्यू कुकर है, और उसका सेफ्टी वॉल्व, मैं बिल्कुल डर गई, मेरे हाथ ऐसे 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 कुछ हुआ नहीं, बट वो एकदम से धम से आवाज आई, और पूरा मतलब कुकर में जो पानी वानी था वो पूरा ऐसा फ्लो करके बाहर आ गया, सूखल तो ऐसा ऐसा हुआ। और मैंने परचेज किया यहाँ पे लिविंग रूम के लिए एसी, हम बड़े मन से लेकर के आए, गुड़ी पड़वा के दिन यहाँ एसी लगवाएंगे लिविंग रूम में, इतनी गर्मी हो रही है, 3-4 दिन से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी गर्मी तो बहुत हो ही रही है, और मुझे वीडियोस वगैरह भी यहीं शूट करना होता है, यहीं पे कंटेंट रिकॉर्ड करती हूँ, ट्राई ऑन भी करती हूँ, और वो चीज़ फैन या फिर कूलर में हो नहीं पाती, तो एनी हाउ एसी तो लेना ही था, अब ले लिया। लेने के बाद कल 4-5 दिन के बाद कल आया वो एसी के लिए जो आते हैं ना इंस्टॉलेशन के लिए पर्सन, सो वो आए और उन्होंने चेक किया और बोला कि कंप्रेसर तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, इतनी हाइट है और बाहर लगाने की जगह नहीं है, सो इधर भी नहीं इधर भी नहीं, और हमारा काम स्टक हो गया, और उसने बोला कि इतना ऊपर अगर हम जाकर के लगाएंगे तो गिरने का डर है, सो आप एक काम करो एक जाल बनवा लो। सो आई वॉज वंडरिंग कि जो जाल बनाएगा वो भी तो जाएगा ही ना, वो भी तो चढ़ेगा, अभी तो फॉल करेगा ना पीछे, जो विंडो की शेड है उसके ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, और फिर मैं बाहर जाकर के देख करके आई, सो लोगों ने 8, 9, 10 फ्लोर तक लगवाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं लगवाया, पता नहीं उसका क्या था, आप देखो दूसरे उसको बुलवाते हैं हम पर्सन को, तो मे भी हो जाए। और फिर उसने बोला कि ऐसा कोई एसी आप लीजिए जिसका कंप्रेसर छोटा हो, ये बहुत लार्ज है तो अंदर भी बालकनी में आ नहीं पाएगा, यहाँ पर बालकनी में जो ये पूरा है ना जगह, तो यहाँ पर ही आ नहीं पाएगा, क्या करूँ, मतलब 50-60,000 इन्वेस्ट करने के बाद में कोई आकर के मैं घर पे ये बता रहा है कि आप कोई दूसरा एसी परचेज कर लो जिसका कंप्रेसर छोटा हो, भाई मैं नहीं लगा पाऊंगा, मैं लगाने के लिए जाऊंगा तो मुझे डर लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा। तो हमने उसको पूछा कि आप मतलब कैसे लगाते हो, ऐसे हाइट पे जाते हो तो इतना हाइट पे लगाना ही नहीं होता है, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बताना शुरू किया। गॉड, एसी तो हमने एक अच्छा वेल नोन ब्रांड से लिया, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोग जो मिलते हैं ना एसी लगाने वाले भाई, ये इंस्टॉलेशन पर्सन जो आते हैं घर पे, यार ये इतने
अजीब बात करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम ढूंढेंगे प्रोसीजर कि इसका क्या किया जा सकता है, मतलब कैसे लगेगा। रेंटेड फ्लैट में हम बहुत कुछ का पिट तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते, है ना, हमारे हाथ में नहीं होता। और इसीलिए हम चाहते थे कि हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो एसी लगवा करके दें, भाई जितना पे आउट होगा हम दे देंगे एसी का, बट वो भी एग्री नहीं हुए समवेयर, तो अब हमें तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, क्या प्रोसीजर है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। This is how I made sure my daughter's first word would be mama. 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 Ah. आ जाओ, छप छप करते करते आओ। बंद करता।